अमन बिहार पुलिस ने चार चोरों को पकड़ा है जिनके कब्जे से चोरी की पांच बाइकें बरामद की गई हैं। दिल्ली की रोहिणी जिला की अमन बिहार थाना पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक रिसीवर समेत गिरोह के चार सदस्यों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। दरअसल रोहिणी जिले के DCP डॉक्टर गुर इकबाल सिंह सिद्धू ने जानकारी देते बताया कि क्षेत्र में स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग जैसी घटनाओं को रोकने के मकसद से ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस पिकेट और पुलिस पेट्रोलिंग का बढ़ावा दिया गया। जिले के DCP ने बताया कि इसी अभियान के तहत बीती 29 जून को ऑपरेशन पराक्रम के तहत अमन बिहार थाना पुलिस के स्टाफ ने सेंट्रल पार्क पिकेट पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान उन्होंने दो मोटरसाइकिल सवारों को सुल्तानपुरी टर्मिनल की तरफ से जाते देखा। मोटरसाइकिल सवार पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल के बारे में पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जाँच करने पता चला कि दोनों मोटरसाइकिल चोरी की हैं। दोनों की पहचान विवेक सोमानी और आकाश के रूप में हुई। DCP डॉक्टर गुर इकबाल सिंह सिद्धू के मुताबिक लगातार पूछताछ करने पर उन्होंने अपने एक और साथी गौरव के बारे में खुलासा किया। जांच के दौरान पता चला कि गौरव के साथ मिलकर 3-4 दिन पहले अमन बिहार से एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गौरव को उसके घर से पकड़ लिया और उसकी निशानदेही पर घर से एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की जो चोरी की थी। आगे जाँच के दौरान विवेक और आकाश ने खुलासा किया कि वे आमतौर पर इन चोरी के वाहनों की राजू बंगाली को बेचते थे। उसके बाद चोरी की संपत्ति के रिसीवर राजू बंगाली को उसके घर से पकड़ लिया। इस दौरान उसके घर से दो चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई जो महिंद्रा पार्क और शाहबाद डेयरी से चोरी हुई थी। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24।